और आप कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम झक्कास चल रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम APO एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो वहाँ APO एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होने वाला है आप लोगों का पुलिस एक्ट 1861। तकरीबन इसमें क्या आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और यह आपको प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त रूप से बनाया गया एक मेरा सिलेबस है, जिसमें हैंड राइटिंग के थ्रू लिखा गया है। आप इसके तहत अपने APO एग्ज़ाम की एकदम परफेक्टली और विदाउट एनी कॉस्ट बाय द यूट्यूब यू कैन अटेंड द ऑल क्लासेस फ्रॉम द लॉ बीम्स। मीन्स मेरा जो चैनल है, आप सभी जानते होंगे कि मेरे चैनल का नाम है लॉ बीम्स। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना APO एग्ज़ाम का एक क्लास, जो सबसे स्पेशल क्लास है, जिसमें हम सभी सभी पुलिस एक्ट के जितने भी सेक्शन हैं सभी को अटेंड करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के तहत, और एक ही वीडियो में हम उसे हिंदी के तहत समझते हुए चलेंगे कि किसमें क्या क्या बातें की गई हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, पुलिस एक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, जो पुलिस एक्ट है, हम उन सभी को एक एक कड़ी, एक एक डिफिनेशन बाय डिफिनेशन पढ़ेंगे। जो आपके मेजर हेडिंग बनने वाले थे पुलिस एक्ट के, उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। जैसे कि पहला की बात की जाए, तो पहले में हम लोग पढ़ेंगे पुलिस एक्ट के रोल क्या हैं और उसके स्कोप कहाँ कहाँ हैं, मतलब कौन कौन से स्कोप हैं पुलिस एक्ट के, और रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है पुलिस एक्ट में। यह आपका सेक्शन 2, 1, 45 एंड 46 के अकॉर्डिंग हम लोग इसे अटेंड करेंगे, ठीक है। अगला है पुलिस एक्ट में सुपीरियर ऑफिसर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड होगा पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स, सुपीरियर ऑफिसर्स के कौन कौन से पावर होते हैं, वो आपका सेक्शन 44 से 12 में अटेंड करेंगे। फोर की बात करें तो एडिशन पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करेंगे सेक्शन 13 से 16 तक, और आपका फोर में, फिफ्थ में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करेंगे सेक्शन 17 से 19 तक। और अगला है ड्यूटीज पावर्स एंड पेनल्टीज, मतलब कौन कौन से ऐसी ड्यूटी होती हैं आपकी पुलिस के, और कौन कौन सी पेनल्टीज होती हैं जो अलॉट की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एंड सेवन नंबर्स प्रोसिक्यूशंस, कौन कौन से प्रोसिक्यूशंस होते हैं, वो हमारा है सेक्शन 35, 36 एंड 42। तो माई डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारे मित्र CK यादव। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे ओवरव्यूज होते हैं आपके, प्रीएम्बल्स होते हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए कि क्या क्या ओवरव्यूज होते हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपको यह बोरिंग लग रहा हो तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने सिलेबस पर, ठीक है, क्योंकि इसे टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा अपने सिलेबस पर आते हैं। ये रहा पुलिस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1861। माई डियर फ्रेंड्स, जो सेक्शन फर्स्ट है वो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लाज के बारे में। इंटरप्रिटेशन क्या क्लाज क्या होता है, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो आपके पुलिस एक्ट के इंक्लूडिंग में आएंगे, और कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्राइब की जाएगी पुलिस एक्ट में। तो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन क्लाज में है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अर्थात DM। कहने का मतलब है कि पुलिस एक्ट का सबसे पहला मेंबर कौन होता है, मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। इसमें यह क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चीफ ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब वह एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा और साथ में आपका चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी होगा, कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या है, ऑल पर्सन हु एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब सभी लोग जो काम करते हैं, एग्जिस्टिंग करते हैं पावर का, वो किसका करते हैं, मजिस्ट्रेट का, ठीक है, विद द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जिसे DGP या DSP कहते हैं। अगला है पुलिस, पुलिस कौन होता है, पुलिस आपका जो भी व्यक्ति इनरोल्ड हो इस सेक्शन में, कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति अपना पेपर दिया हो या जो भी व्यक्ति अपना एग्जाम दे के थ्रू इनरोल्ड हो गया हो, नॉमिनेट हो गया हो इन पुलिस एक्ट में, या पुलिस बन चुका हो, या उसे कोई सर्टिफाइड मिला हो पुलिस के तहत, तो वो सभी इनके इसके इंक्लूडिंग में आएंगे। अगला है जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट।
जो जो आपके डीजीपी होते हैं वो कौन है, इनके पास प्रेसिडेंसी पावर होती है, स्टेट होता है इट इंक्लूडिंग एंड सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंसीज वेयर द पुलिस एक्ट इफेक्टेड, मतलब कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर पुलिस एक्ट इफेक्टेड होते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट मतलब DSP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये कौन होता है, इसमें आपके दो भाग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करता है, किसी भी पर्सन को ड्यूटी दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ड्यूटी दे सकता है किसको, DSP या ADSP का, अर्थात असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें, हमने कुछ अन्य चीज़ें भी देख सकते हैं। अगला है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये होता क्या है, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी है क्या चीज़, या प्रॉपर्टी किसके इंक्लूडिंग में क्यों आई है इसमें। तो बेटा इसमें जितने प्रकार के आपके मूवेबल प्रॉपर्टी हैं सब आपका प्रॉपर्टी आएगा पुलिस एक्ट के थ्रू, और मनी हो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और यह पुलिस है, यह इसकी ड्यूटी लगी है बीच पर किसी किनारे पर, और वहाँ से उस बीच में एक बहता हुआ एक पैसों का थैला आ गया, उसके बाद उस पर्सन ने उसे पकड़ा और पकड़ करके कहाँ ले गया, सीधे अपने इंचार्ज के पास, सर्कल इंस्पेक्टर के पास। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, इस पर सबसे पहला हक किसका होगा, सबसे पहला हक होगा पुलिस का, और पुलिस के बाद वो सीधा कहाँ जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। और जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक एप्लीकेशन जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा कि जिस किसी का भी यह बैग है वो आए और इस बैग को यहाँ से लेकर के जाए विथिन 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक अगर वो ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके कुछ स्पेशल ऑफिसर्स हैं, कौन कौन होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला आपका ऑफिसर होता है DGP जिसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला है ADG क्या होता है, एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस। अगला है IG या IGP जिसे हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। अगला है DSP डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला है SSP मतलब सब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला है SP ओनली SSP, SP क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। ASP एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला है DSP आपके होते हैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगले हैं ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है, जरा ये समझने वाली बात है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के इंक्लूडिंग में इंस्पेक्टर आते हैं, सब इंस्पेक्टर आते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं, और आपके हेड कांस्टेबल और लास्ट में कांस्टेबल आते हैं। सेक्शन 1 में आपका एक बात किया गया है पर्सन को लेकर के, तो अगला टॉपिक क्या है आपका पर्सन। पर्सन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कंपनी के साथ हो चाहे कॉर्पोरेशन हो विद द कॉर्पोरेशन हो, वो सभी क्या होंगे, पर्सन होंगे, मतलब अकेला कोई व्यक्ति है तो भी पर्सन होगा, अगर एक के साथ 5-6 लोग हैं तो भी वो पर्सन होंगे। मंथ, कैलेंडर में जो मंथ बताया गया है वो मंथ होगा, जैसे यह कैलेंडर का प्रयोग क्यों किया गया इसमें, क्योंकि बहुत से लोगों को जब पनिशमेंट मिलती है तो वहाँ कारावास मिलता है 2-3 ईयर का, तो वो कैलेंडर की इंक्लूडिंग दी जाती है। अगला है कैटल्स मतलब समूह, किस प्रकार के समूह या किस किस प्रकार के जानवर इसमें आ सकते हैं, तो इसमें आपके सिर्फ सींग वाले ही नहीं बल्कि विदाउट सींग वाले भी आएंगे, मतलब जिससे किसी व्यक्ति को हार्म हो बिसाइड्स हार्म ऑफ कैटल्स, मतलब किसी प्रकार से आपका हार्म हो रहा है तो वह कैटल्स का लाएंगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति हो गया, उसके पास एक कुत्ता है और कुत्ता सामने वाले को काट लेता है, तो सामने वाले को जैसे ही काटेगा तो उसमें क्या होगा, आपका कैटल्स के थ्रू आपको पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में बेटा आपका बात किया गया है इंटायर पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इक्वल टू 1 पुलिस, मतलब यदि पूरी पुलिस है तो इक्वल टू क्या होगा, 1 पुलिस, मतलब हर एक पुलिस को मिला करके एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनता है। अगला है सेक्शन 42 में बात किया गया स्कोप ऑफ एक्ट के बारे में, मतलब कौन कौन से स्कोप हैं जो अब इसके एक्ट को इंक्लूड करता है, तो इसमें बोला गया है कि दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई बाय वॉन ऑपरेशंस, मतलब ये जो पुलिस एक्ट है, क्या बोला गया कि जो यह आपका पुलिस एक्ट है, क्या है बेटा, पुलिस एक्ट, जो यह आपका पुलिस एक्ट है यह 1861 अपने आप अलाउ नहीं होगा कभी भी, ठीक है, शैल नॉट अप्लाई बाय वॉन सेल्फ या सुमो मोटो होता है, सुमो मोटो में ऐसा होता है कि वो अपने आप अलाउ हो जाता है, लेकिन इसे सिर्फ अलाउ करने के लिए आपको चाहिए ऑफिशियल गैजेट्स, और ऑफिशियल गैजेट कौन पारित कर सकता है, आपके
कौन? स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी ऑफिशियल गैजेट के तहत यह अलाउ किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, स्कोप्स हैं, कौन कौन से स्कोप्स हैं चलिए समझ देखते हैं। इसमें पहला इसको बोला गया कि दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई बाय वनसेल्फ इफेक्टेड इन एनी प्लेस, मतलब किसी भी स्थान पर वो इफेक्टेड होने के लिए खुद से अलाउ नहीं होगा, बट स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है आपका, गिव एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देगी और पब्लिश करेगी इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गैजेट में, तब जाकर के वह एक्सटेंड करेगा होल और एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी एक पार्ट पर या पूरे स्टेट पर वह आपका क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, वर्क करेगा। सेकंड है, व्हेन द होल और एनी प्रेसिडेंसी शैल हैव बीन एक्सटेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ नए नए रूल्स बनाए जाते हैं, चेंज किए जाती हैं, तो वह कैसे होगा, वह सिर्फ नोटिफिकेशन के तहत होगा और वो कैसे, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, मतलब ऑफिशियल गैजेट देंगे तभी उसे सेंड किया जा सकता है। ऑफिशियल गैजेट में कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें आपका ए बोला गया है कि जो आपका रेगुलेट होगा प्रोसीजर्स, वह स्टेट तो करता ही है लेकिन साथ में स्टेट के बाद कौन सा करता है, मजिस्ट्रेट करता है, जो ऑफिशियल गैजेट के तहत आपका बनाया जाएगा, या तो फिर कोई अन्य पर्सन बनाया जाएगा तो वह उसमें इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए हमने आज एक कमेटी बनाई जिस कमेटी को रखा गया भ्रष्टाचार रोकथाम, ठीक है, क्या रखा गया, भ्रष्टाचार रोकथाम। तो बेटा हमें ये बताओ, जैसे हमने ये रखा भ्रष्टाचार रोकथाम, तो इसका हम अगर अपना पर्सनली कोई अपना ऑफिसर नियुक्त करना चाहें, अपॉइंट करना चाहें, तो हम अपने कैसे कर सकते हैं, बाय द ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो वहाँ का मजिस्ट्रेट ही क्या होगा, उसका ऑफिसर होगा, इंचार्ज होगा। अगला है, प्रेस्क्राइब टाइम मैनर्स एंड कंडीशंस लोकल इंक्वायरी एंड क्लेम फॉर द कंपनसेशन अंडर सेक्शन 50A। कहने का मतलब है कि जो कोई भी प्रेस्क्राइब करता है, बताता है कि टाइम क्या होगी उसके अप्लाई होने की, या उसका तरीका कैसा होगा, मैनर कैसा होगा, कंडीशन क्या क्या होगी, शर्त क्या क्या होगा, लोकल इंक्वायरी क्या क्या होगी, और इसमें क्लेम क्या होगा, और साथ में कंपनसेशन की बातें की गई है किसमें, सेक्शन 50A में। सी की बात करें तो जनरली फॉर गिविंग इफेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, फिर इसके सिर्फ इसके इफेक्ट से संबंधित है सेक्शन सी। अब जरा थर्ड की बात करें, सब सेक्शन थर्ड, तो इसमें बोला गया कि जो सभी रूल्स हैं वो क्या होंगे, टाइम टू टाइम कभी भी अमेंड हो सकते हैं, बढ़ सकता है, कैंसिल हो सकता है, और कोई भी रूल्स किसके द्वारा बनाया जाएगा, हटाया जाएगा या बढ़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई रूल बनाते हैं तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ किसी प्रकार की क्या होती है, कोई ना कोई खामियाँ हो जाती हैं, कमियाँ रह जाती हैं, या कुछ गलत हो जाते हैं, तो उसके इंक्लूड हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, और कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स। अगला है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, मतलब पुलिस ऑफिसर्स की कौन कौन से ड्यूटीज होती हैं और उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं, उसमें इसमें हम ये सब देखने वाले हैं। सेक्शन 20 की बात करें तो 20 में बोलता है कि अथॉरिटी होती है टू बी एक्सरसाइज बाय द पुलिस ऑफिसर्स, मतलब अथॉरिटी किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, और यह प्रोवाइडेड किया गया है फॉर द पुलिस ऑफिसर्स सेल पुलिस ऑफिसर के लिए कि वह करेगा, हियर आफ्टर ही पास्ड फॉर द रेगुलेटिंग क्राइम प्रोसीजर्स लिमिटेशंस अथॉरिटी, मतलब उसके पास एक पास्ट होता है, लीगल अथॉरिटी होती है, रेगुलेटिंग क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी होती है, मतलब कुछ समय तक उसे करना पड़ता है, फिर उसके बाद कोर्ट में चला जाता है, तो फिर अपना कोर्ट जैसा आदेश देता है वो ऐसा करता है। सेक्शन 21, विलेज पुलिस ऑफिसर्स, मतलब इसमें विलेज पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बात किया गया है कि कौन कौन से पर्सन होंगे जो विलेज पुलिस ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग आएंगे। इसमें बोला गया है कि नथिंग इन द एक्ट्स शैल इफेक्ट एनी अदर्स विलेज पुलिस ऑफिसर्स, मतलब इसमें किसी प्रकार से जो विलेज पुलिस ऑफिसर हैं उसे किसी प्रकार से आपका इफेक्ट नहीं किया गया है। व्हेन एनरोल्ड अ प्लेस अ पुलिस देन ही विल बी लाइबल फॉर द विलेज, मतलब जैसे ही वह इनरोल्ड हो जाता है पुलिस में तो उसे विलेज और हर एक जगह की सिटी में भी उसे इनरोल्ड होना पड़ता है। सेक्शन 22 बात करता है कि पुलिस ऑफिसर्स अलाउ ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब वह कभी भी किसी भी पार्ट में डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयड किया जा सकता है वर्क के लिए, और उसकी यह ड्यूटी है कि वह जाएगा भी, ठीक है। सेक्शन 23 बात करता है कि ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, मतलब हर एक पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी होती हैं, वह एग्जीक्यूट करेगा हर एक ऑर्डर्स को, वारंट्स को, या लॉफुल्स इशू ऑफ मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट जो भी जिस भी प्रकार का आपका कोई भी कानून बनाता है तो वो कौन करेगा,
आपके जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं सब उसके पालन करेंगे। सेकंड है कि कलेक्ट करेगा कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अथॉरिटी द पब्लिक पीस, मतलब पब्लिक पीस के लिए वो क्या करेंगे, सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशंस हैं इंटेलिजेंस के तहत वो कलेक्ट करेगा और उन्हें लोगों को शांति प्रदान करेगा। थर्ड है कि प्रिवेंट करेगा कमीशन ऑफ ऑफेंस को, मतलब कमीशन ऑफ ऑफेंस को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे अर्थात रोकेंगे। कहने का मतलब है कि जितने प्रकार के आपके ऑफेंस हो रहे हैं उन सभी को रोकने का जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की है, किसके तहत, सेक्शन 23 के इंक्लूडिंग। ये सेक्शन आपका शायद एग्जाम में आ भी चुका है, एपीओ एग्जाम में एक दो बार आया भी था कि सेक्शन 23 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस। ठीक है, अगला है 4 नंबर, डिटेक्ट द बिंग ऑफेंस टू जस्टिस, और उसके बाद यदि कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसके लिए जस्टिस करना। 5th नंबर है कि एप्रिहेंड टू द क्रिमिनल्स हु एप्रिहेंशन सफरिंग ग्राउंड एग्जिस्टेंस, कहने का मतलब है कि उसे कैद करना, उसे एप्रिहेंस करना जो क्रिमिनल वर्क कर रहा है। और सेक्शन 6 में बात करता है विदाउट वारंट के किसी भी व्यक्ति को आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं, खास करके आपका ड्रिंकिंग शॉप में या गेमिंग शॉप में, गेमिंग हाउस में या इलीगल कैरेक्टर्स में, मतलब जहां कहीं भी इलीगल वर्क हो रहा है वहां पर जाकर के आप आसानी से विदाउट वारंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं। सेक्शन 24 की बात किया गया है कि पुलिस ऑफिसर्स मेले इन्फॉर्मेशंस, मतलब पुलिस ऑफिसर्स के लिए कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशंस लागू किए जाते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर्स टू ले एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर्स अपना इन्फॉर्मेशन ले जा सकता है किसके समक्ष, आपके मजिस्ट्रेट के समक्ष। एंड वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समन करेगा, वारंट जारी करेगा या आपका सर्च वारंट जारी करेगा या आपका अदर प्रोसीजर लीगल बताएगा। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई कोई प्लेस हो गया और वहाँ पर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी जांच करने का अधिकार नहीं है, तो इस अवस्था में क्या करेंगे आप, सबसे पहले जाएंगे इन्फॉर्मेशन देंगे किसको, मजिस्ट्रेट को, तो अप्लाई करेगा, चाहे समन करेगा मतलब तुरंत बुला कर लाओ, वारंट जारी कर सकता है या सर्च वारंट जारी कर सकता है या अदर कार्य कर सकता है। सेक्शन 25 इसमें कहा गया कि जो पुलिस ऑफिसर होगा टू बी टेकन चार्ज द अंडर क्लेम प्रॉपर्टी एंड द सब्जेक्ट टू मजिस्ट्रेट ऑर्डर एज द डिस्पोजल, कहने का मतलब है जैसे अनक्लेम प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है, या उसका कोई आपका एक केयर टेकर नहीं है, तो इस अवस्था में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर वो उसे अपने अंदर में ले लेगा, अपने अंडर कर लेगा। तो क्या होगा, अ ड्यूटी इज कॉस्ट ऑन एवरी पुलिस ऑफिसर, सभी पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी होती है कि टू टेक केयर्स ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, कि सभी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के बारे में वो टेक चार्ज करे। और सेकंड में टू फर्निश एन इन्वेंटरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और वो उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के बारे में बताए। थर्ड है टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी इन द अकॉर्डेंस विद मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर वो उसके लिए काम करे। अगला है 26, इसमें बात किया गया है कि मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड यूज प्रोक्लेमेशंस, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है वो किस तरीके से प्रोक्लेमेशन करेगा, अनाउंसमेंट करेगा कि क्या करना है उस प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि मैनेज करेगा एक प्रोक्लेमेशंस, मतलब घोषणा कराएगा, उसके बाद रिक्वायर करेगा एनी पर्सन विद इन 6 मंथ, यदि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के अंदर तक वो क्या करता है, आपका प्रोविजन दिखा देता है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, तो उस अवस्था में क्या होगा, जो प्रोविजन्स है वह सेक्शन 4451 के तहत कोड ऑफ CRPC उसे इंक्लूड कर दी जाएगी, एप्लीकेबल कर दी जाएगी, अदरवाइज वह कोई नहीं आता तो उस अवस्था में वह आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका मालिक हो जाएगा और उसके उसको बेच करके सीधे से वह जो पैसे हैं वो किसी अकाउंट में चले जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। तो आप समझ गए कि 27 में यही बात कही गई है कि जो कॉन्फिक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी होगा यदि कोई क्लेम नहीं करता तो वो अपीयर्स कहाँ होगी, मजिस्ट्रेट में, कहाँ अपीयर हो जाएगी, मजिस्ट्रेट के अंडर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल अटेंड करेंगे।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे थे लॉ बीम्स और मैं आपका प्यारा मित्र सीके।